फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी पॉइंट माय लवली भारद्वाज। मैं आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ फेक नेल्स को निकालने का तरीका। फेक नेल्स को बहुत ही आसान तरीके से निकाला जा सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बहुत ही पेनफुल होता है, बिल्कुल भी आसानी से नहीं निकलता, बट बहुत ही आसानी से निकालने का तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं अलग से लाने की जरूरत है। घर में अवेलेबल चीजों से आप इसे निकाल सकते हो। इससे पहले मैंने फेक नेल्स को अप्लाई करने का तरीका भी शेयर किया है, जिसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से भी जरूर से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये फेक नेल्स परचेज करना है, इसका भी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और पहली बार मेरा चैनल विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट। ओके गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप अपने फेक नेल्स को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको अलग से कुछ भी परचेज नहीं करना है, हर किसी के घर में अवेलेबल है। आपको बस गर्म पानी लेना है और गर्म पानी में हाथ को डिप करके रखना है। आप इस गर्म पानी के हेल्प से बस वही नेल्स निकाल सकते हो जो आपने खुद से लगाया हुआ है। पार्लर से अगर आपने नेल एक्सटेंशन करवाया है तो उसको आपको पार्लर जाके ही निकलवाना पड़ेगा। तो देख सकते हो ये नेल्स बहुत ही अच्छे लगते और बहुत ही ईजिली आप इसको लगा सकते, बिल्कुल भी फेक नहीं दिखते। तो लगाने का भी वीडियो मैंने शेयर करी है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। तो यहाँ पे गर्म पानी में मैंने अपने हैंड को डिप करके रखना है। 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं और 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं। जितना ज़्यादा ग्लू होगा, जितना ज़्यादा स्टिकी होगा, उतना ज़्यादा टाइम लग सकता है इसको निकलने में। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं खींचना और ना ही किसी टूल्स के हेल्प से निकालना है। पानी में हाथ को डिप करके रखो। अगर पानी ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा और गर्म पानी ऐड कर दो और फिर डिप करके रखो। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके नेल्स किसी न किसी कॉर्नर से खुद से निकलने लगेंगे, देन आप उसे निकाल सकते हो। देख सकते हो कहीं से नेल्स छूट जाते और कहीं पे ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, तो उसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब थोड़ा देर के लिए और पानी में डिप करके रखो। देख सकते हो कुछ नेल्स बहुत ही ईजिली निकल गए, कुछ नेल्स अभी टस से मस नहीं हो रहे, तो उनको और देर के लिए पानी में डुबा के रखना है। बट इसमें कुछ भी अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी टूल्स के हेल्प से उसको ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत है। ओके, तो आप देख सकते हो कितना इजिली ये नेल्स निकल जाते हैं। बट इस नेल्स को निकालने में पूरे आधे घंटे का टाइम भी लग सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये 20 मिनट में ही निकलने लगे। आपका ग्लू जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा स्टिकी होगा आपका नेल्स, उसको निकलने में उतना टाइम लगेगा। बट आपको टाइम लेके करना है, बस उसको खींच खींच के नहीं तोड़ना है। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे जिसमें नेल्स आधे अधूरे टूट टूट के निकल रहे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे नेल्स पूरे के पूरे निकल जाते और बहुत ही ईजिली निकल जाते। कहीं से नेल्स भी डैमेज नहीं हुए हैं मेरे, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो ये नेल्स इधर से तो निकल रहा है, बट आगे से ये बहुत स्टिकी है, नहीं निकल रहा है। तो मैं इसको ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं खींचने वाली हूँ। इसको थोड़ा और देर के लिए गर्म पानी में डिप करके रखूँगी और ये अपने आप ही निकल जाएगा। आई होप ये बहुत ही आसान सा तरीका आपको पसंद आया होगा। और आप अपने नेल्स अगर अप्लाई करते हो फेक नेल्स, तो उसको निकालना भी बहुत ही आसान है, इस तरीके से निकाल सकते हो। बट मैं आपको फिर से बता दूं कि ये इस तरीके से वही नेल्स आप निकाल पाओगे जो आपने खुद से अप्लाई किया है, घर पे लगाया हुआ है। पार्लर का नेल एक्सटेंशन आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो देख सकते हो पूरे के पूरे सही सलामत नेल्स निकल चुके हैं, एक भी नेल्स नहीं टूटे और ना ही मेरे नेल्स पे कहीं कोई भी प्रॉब्लम हुई है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, आई होप आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, तो देखा ना आपने, बहुत ही आसान तरीके से आप फेक नेल्स को अप्लाई भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको फेक नेल्स को निकालना बताया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से हिट करना। तो चलिए आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।